गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। पहले से आज बहुत ही प्यारा सा आज मैं मेकअप करने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैं आई ब्रो ग्रो कर रही हूँ। इसी तरह से गाइस आप लोगों ने अपने आई पर भी इसी तरह से आई ब्रो ग्रो करना है। पहले ऊपर से हमने लाइन ड्रो करनी है, फिर नीचे से उसके बाद जो है वो आई ब्रो को पूरा फिल करना है अच्छी तरह से। तो हमारा आईब्रो जो है बहुत नीट सा बनेगा, साफ सा सफाई सा अच्छा सा बनेगा। देख सकते हैं आप गाइस इस तरह से मैं आईब्रो जो है वो ड्रो कर चुकी हूँ और मैंने किस तरह से तो डार्क कर दिया। फिर इसके बाद गाइस मैंने लाइट ब्राउन सा शेड लिया है और इनर कॉर्नर से लाइन बनाई है। आई का पूरा मैंने जो है वो शेड बना दिया है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैंने आई का शेप जो बना दिया है। फिर कॉर्नर को मैंने जो है टेप अप्लाई किया है और फिंगर पर मैंने जो है ब्लैक शेप लगाया है। कॉर्नर को पहले हमने ब्लैक शेप लगाना है। आप देख सकते हैं किस तरह मैं लगा रही हूँ, इस तरह कॉर्नर पर लगाना है ब्लैक शेप। फिर इसी तरह से देखते हैं हमने ब्लैक शेप लगाना है। तकरीबन हम अच्छे से ब्लैक शेड जो है वो लग चुका है मेरा कॉर्नर पर फुल ठीक से। इसके बाद गाइस मैंने जो है वो गोल्डन शेड उठाया है। गोल्डन शेड जो है वो मैंने सेंटर पर अप्लाई किया है। देख सकते हैं किस तरह हमने इसी तरह से गोल्डन शेड जो है वो सेंटर में लगाना है। सेंटर से लेकर गाइस हमने जो है वो इनर कॉर्नर तक जो है वो ना गोल्डन शेड लेकर जाना है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैं गोल्डन शेड जो है वो इनर कॉर्नर तक लगा रही हूँ। हमारा जो गोल्डन शेड है वो भी काफ़ी अच्छे से लग गया है। देख सकते हैं आप लोग किस तरह। फिर इसके बाद गाइस हाइलाइटर जो है हमारा सिल्वर वो हमने जो है वो इनर कॉर्नर पे बिल्कुल इनर कॉर्नर के पास ही लगाना है। इसके बाद गाइस हमने जो है अपना ग्लिटर गोल्डन ग्लिटर उठाया है और वो हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैं ग्लिटर जो है वो जहाँ गोल्डन शेड लगाया था इसी के ऊपर ही हमने गोल्डन ग्लिटर अप्लाई करना है। ग्लिटर वाली आई से गाइस ये होता है कि वो बहुत ही प्यारा सा मतलब उससे लुक आता है। जब हम आई मेकअप जो है वो ग्लिटर वाला आई मेकअप करते हैं उससे आई बहुत प्यारी लगती है। आप लोग घर पर भी इसी तरह लगा कर ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जो है वो गोल्डन ग्लिटर जो है वो मैं पूरा उस पर सेट कर चुकी हूँ। देख सकते हैं किस तरह से मैं जो लगा रही हूँ। सो गाइस फिर हमें क्या करना है, ब्लैक शेड जो है वो मैंने कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक लेकर आना है, इनर कॉर्नर तक लगाना है। इसके बाद गाइस हमने जो है वो आईलाइनर अपना जो है वो इनर कॉर्नर से अप्लाई करना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आईलाइनर लगाना स्टार्ट कर दिया है। मैं किस तरह से जो है वो आईलाइनर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस तरह मैंने जो है वो आईलाइनर को बारीक सा बिल्कुल आईलाइनर जो है वो लगाना है हमने। जब आईलाइनर हमारा कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर इसके बाद हमने जो है वो टेप साइड से जो है वो रिमूव करनी है। देख सकते हैं कि मैंने टेप जो है वो रिमूव कर दी है। इससे ये है कि गाइस हमारा देख सकते हैं कॉर्नर कॉर्नर जो है वो कितना अच्छा सा बना है। सो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।